अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। हो सकता है ईद कल हो या डे आफ्टर टुमारो हो, तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ आज मैं यहाँ से। मैंने कल रात को मैरिनेट कर लिया था जो चिकन गोट का, मैं रोस्ट बना रही हूँ होल लेग पीस का, तो मैंने मैरिनेशन कर ली थी। वो वीडियो अभी उजैर लगा देगा उसमें। चलें, अब इसमें हम कट्स लगा लेते हैं। ये आप बुचर से भी लगवा सकते हैं, लेकिन मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के सामने लगाऊं, तो इसलिए मैं खुद से कर रही हूँ। और मेरी ये जो लेग पीस है, ये गोट की, ये 8 पाउंड्स की है, तो उनके पास इससे छोटी नहीं थी। तो मैंने कहा अब क्या करें, करना है तो करना है। और जब आप बुचर के पास जाएं तो उन्हें कहें कि उसको ब्रेक कर दें ताकि ये आसानी से, वरना तो ये बिल्कुल सीधी होती है ना, तो आपको करना मुश्किल होगी। तो ये देखें, उन्होंने दो जगह से बेंड करके मुझे दे दिए, यहां से और यहां से। और ये रोस्ट का सबसे बड़ा ये है कि आपने रात इसको जरूर, कम से कम 12 घंटे आपने जरूर इसको मैरिनेट करना है, वरना ये सारे फ्लेवर वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे इसमें। ये कट्स हो गए रेडी, मीट हो गया रेडी, अब इनकी मैरिनेशन बनाते हैं। चलें, सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब दही लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, मेरे पास 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून ही मेरे पास गर्म मसाला है, 1.5 टेबलस्पून जीरा है और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। अब इसमें मैं पपीता डाल रही हूँ। पपीता आप इसलिए डाल रहे हैं, ये हरा पपीता आप ले लें और उसे ग्राइंड कर लें, तो ये तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने लिया है। और इससे क्या होगा कि मीट बहुत अच्छी तरह टेंडराइज आपका हो जाएगा, गल जाएगा। अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून क्रश पेपर, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 2 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है, 1/4 टीस्पून मेरे पास इलायची का पाउडर है, छोटी इलायची का, और 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून मेरे पास जायफल जावत्री है। अब मैंने क्या करना है, मैंने 2-3 हरी मिर्चें ली थी वो काट ली हैं, कुछ मेरे पास अदरक लहसुन है, जैसे कि ये 2-2 टेबलस्पून होगा, इनको मैं फ्रेशली ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये मैंने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डाले इसमें, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, और ये मैं ऑयल डाल रही हूँ जो कि 4 टेबलस्पून है। आपका ग्राइंड ना हो तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। तो चलें, अदरक लहसुन और मैंने हरी मिर्चें पीस ली ऑयल के साथ। अब आप इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें 4 टेबलस्पून के करीब मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। और बस अब आपने क्या करना है, अपना मीट लिया और आपने ये पूरा उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगाना शुरू कर देना। अब आपने इसको पूरे मसाले को बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर डालना है और इसको रब करना है। मैं तो हाथ से ही कर लूंगी, ग्लव्स तो हैं, लेकिन अब मैं लेजी हो रही हूँ कि कौन जाए निकाले करे, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको रब करें कि ये जो आपने कट्स लगाए हैं ये उसमें चला जाए। और क्योंकि बहुत बड़ा मीट का पीस है, इसलिए आपको इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना है इसको मैरिनेशन के लिए, अदरवाइज बिल्कुल प्लेन कोई टेस्ट नहीं आएगा अगर आपने इसको पहले से मैरिनेट नहीं किया तो। मैंने ये पूरा मसाला इसमें डाल दिया और अब इसको मैं रैप करके फ्रिज में रख रही हूँ ओवरनाइट के लिए, तकरीबन 12 घंटे के लिए, तो उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
चलिए जी, ये मैंने बहुत अच्छी तरह इसको रैप कर लिया है ताकि फ्रिज में भी स्मेल ना आए, आपके दूसरे खाने में भी स्मेल ना जाए। तो सुबह दोबारा मुलाकात होती है 18 घंटे के बाद, वो मैरिनेशन के बाद। अब मैं उसे फ्रिज से निकालूंगी। अब आपने इसे खोलना है। और सबसे पहले तो मेरा ये इश्यू है कि मेरे पॉट में ये फिट आएगी कि नहीं, सबसे बड़ा मसला ये होगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी। तो चलें देखते हैं, इसको निकालते हैं। आपने कम से कम 12 घंटे नहीं तो एक दिन आपने लाजमी इसको मैरिनेट करना है, वरना इसका फ्लेवर नहीं आएगा। क्योंकि इतना ज्यादा मीट है, जाहिर है उसको मीट के अंदर फ्लेवर जाने में टाइम चाहिए। तो आप कम से कम एक दिन, मेरा एक दिन पूरा नहीं हुआ है, इसको लेके चलते हैं स्टोव की तरफ। चले, आपने इसको मीट को उठाया, कोई नहीं, ये श्रिंक भी हो जाएगा जब थोड़ा सा पकेगा ना। वो आपने इसमें डाल दिया, और ये जो मसाला है, ये थोड़ी सी बोटी टूट गई है इसकी ऑलरेडी, वो भी डाल दी मैंने इसमें, और ये मसाला भी मैं इसके साथ ही इसके अंदर डाल दूँ। सब हमने डाला हुआ है, ऑयल वगैरह हर चीज़ डली हुई है, आपको किसी चीज़ की डालने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको ये सारा मसाला डाल के इसको ढक के तकरीबन आधा घंटा गलाऊंगी, क्योंकि इसमें हमने इसको गलाने के लिए पपीता भी लगाया हुआ, कच्चा पपीता मैंने लगाया। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, एप्पल साइडर विनेगर वो लगा लीजिएगा, उसको लगा के आप छोड़ दें, तो उससे वो भी गलावट का काम करेगा। हीट अभी मेरी हाई पे है क्योंकि थोड़ा सा ये इसमें गर्म हो जाए, और इसमें स्टीम बनने दूंगी मैं, और मैंने ये लिड लगा दी है इसमें, अभी स्टीम बनने दूंगी 3-4 मिनट तक, और उसके बाद मैं इसे मीडियम हीट पे कर दूंगी, और फिर आधे घंटे तक इसको पकने दूंगी स्टीम में। चलिए देखें, आप इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है, इसको 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको मीडियम लो पे करके हाफ एन आवर बाद दोबारा आती। चलिए, इसे हो गया है आधा घंटा, खोल के देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या है। अब इसकी ट्रिक ये है कि इसको हमने टर्न ओवर करना है। एक साइड से तो माशाल्लाह अच्छा सा हो गया है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से हुआ है, बहुत ख्याल से कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये पीस बहुत बड़ा है लेग का, छोटा पीस कोशिश करके लिए अगर आपने बनाना है। देखिए, मीट आधा घंटा और जाएगा तो इंशाल्लाह पूरा गल जाएगा, अभी इसमें टाइम है तो हाफ एन आवर में इंशाल्लाह ये पूरा गल जाएगा। अब इसको बंद करना एक ट्रिक होगा दोबारा। अगर आपके पास पॉट थोड़ा सा बड़ा होगा तो कोई हैसल नहीं होगी, लेकिन ये हो गया, इंशाल्लाह हो जाएगी दोबारा मीडियम लो पे इसको हाफ एन आवर। चलिए जी, आधा घंटा हो गया है दोबारा इसको, और चेक करते हैं दोबारा इसे। अब इसको थोड़ा सा हाई हीट पे कर लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो। मीट देखें, अभी भी थोड़ा सा सख्त है। आप देखें कि गोश्त बिल्कुल अंदर से अच्छी तरह गल चुका है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल नरम हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब इसको फ्राई करने के लिए, थोड़ा सा ब्राउन करने के लिए, और ज़्यादा मेरे पास इससे बड़ा पैन तो नहीं, वो देश का है, वो बहुत गहरा है, तो मैं क्या करूँगी, ये सॉस अलग पैन में निकालूंगी और इसी में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई सा करूँगी। चलिए, थोड़ी थोड़ी सॉस लेके आपने इसके ऊपर दोबारा इसको ऊपर डाली ताकि फ्लेवर आ जाए। तो मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि इसके साथ इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा अलग से भी निकाल लेती हूँ। निकाल के इसको मैं थोड़ा सा बटर में फ्राई कर लूँगी, और ये आपकी साइड ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसमें मैं थोड़ी सी और डिफरेंट स्पाइसेस भी डालूँगी। तो ये देखें कि ये जो मीट का पार्ट है जहाँ पे, वो तो ब्राउन हो चुका है हमारा,
लेकिन मैं चाह रही हूँ इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी ब्राउन हो जाए, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा बटर डालूंगी ताकि वो फ्राई हो जाए वहाँ से। तो मैं बहुत कम ऑयल डाल रही हूँ, जैसे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है इसमें, और थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, और ये 1 टेबल स्पून के करीब बटर मैंने इसमें ग्रेवी में डाल दिया और इसको भी सिमर होने के लिए छोड़ दिया। सॉस हमारी रेडी हो गई, देखिए कितनी थिक है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ 1 टेबल स्पून बटर डाला और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। इसको मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पे ये वाला भी स्टीम हो गया बिल्कुल, अब इसको भी मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसका टाइम आ गया है बाहर निकालने का, जो कि एक मिशन है इसके सेल्फ। हाँ माशाल्लाह, देखें शक्ल इसकी इतनी खूबसूरत लग रही है। और आप ये देखें ये जो ग्रेवी है आप इसके ऊपर डाल लें, जो बिल्कुल इसकी इस तरह की ग्रेवी थी ये आप इसके ऊपर डाल लें इस तरह से। ये कुछ मीट के पीसेस थे जो टूट चुके थे वो रख रही हूँ मैं यहाँ पे, और बाकी ये जो है ना ये सारा फ्लेवर ये मैं इसमें सॉस में डाल रही हूँ, तो आपकी ग्रेवी वो जो सॉस है ना वो बहुत टेस्टी हो जाएगी। तो अगर आपको फ्लेवर कम लगे तो आप अपनी ग्रेवी में ये ऐड कर लें ऊपर से, मतलब आपको ड्राई लगे या कुछ लगे। अब आप इन्हें सलाद पत्ते के साथ, योगर्ट के साथ, और ये मैंने सॉस ली है, क्या कहते हैं नैंडो सॉस है मेरे पास, चलें जी। आप देखें कि माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है, ये देखें मीट कैसे उतर रहा है, बिल्कुल आपने यूं किया उतर गया। और मैं तो अभी नहीं खा सकते हैं हम लोग, तारीख का इंतज़ार करेंगे। आप जाके इसको रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय योर ईद। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक एक दफ़ा दोबारा। अल्लाह हाफिज़।